उसके आगे एक टेलर है, उसमें बारीक काम इतना किया गया है, आज के टाइम में अपन सोने चांदी में नहीं कर सकते। तो इस नगर के बड़े बिजनेसमैन मारवाड़ी जैन थे, पटवा एंड टाइटल मोती बनी का जरी का कार्य करते थे, तो राजा ने टाइटल दिया पटवा। के अंदर सोने चांदी की 300 दुकानें, 5 लड़के थे, 5 लड़कों के लिए 5 मकान बनाए। राजस्थान में मकान बोलते हैं 5 फ्लोर, वास्तुशास्त्र के हिसाब से उसको हवेली बोलते हैं। एक पार्ट को बनने को 12 साल लगा है, 5 को बनने में 60 साल लगा है, 250 साल पुराना। बिचूर में अपने इंडिया में 2 परमाणु विस्फोट किया गया, एक इंदिरा गांधी के टाइम के अंदर, एक अटल जी के टाइम के अंदर। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था तब इनका बिजनेस चलता था, बिजनेस रुका तो 4 भाई बेच के चले गए। एक भाई का फैमिली कोटा में है, एक का रतलाम, एक का झालापाटन, एक का उदयपुर, एक का जैसलमेर। 4 नंबर हवेली है। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथों में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, बावन गज का दामन पे बहुआ मैं तकरार, जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी। झुमके काना के नहीं लाने मोटा पैर ना से कोका, टिक्का लाल रंग का
साड़ी का कलेक्शन है अलग अलग त्यौहार के ऊपर। राजस्थान में अलग अलग त्यौहार गणगौर दशहरे का फेस्टिवल होली का फेस्टिवल डिफरेंट चीज दिखाई हुई है। मैडम की इच्छा पैसा निकाल दो नहीं निकलेगा, दोनों चाबी एक साथ लगेगी तो खुलेगी। ये मेन दरवाजे के ताले हैं, जो लोग वस्तु शास्त्र में विश्वास करते हैं राशि के ताले है, राशि के ताले भाई थोड़े साइड में हो। कल आप कैमल पर बैठोगे, डायरेक्टली कैमल पर नहीं बैठ सकते हैं। ये कैमल स्टैंड, फिर गादा रहता है, फिर दो आदमी का सीट रहता है। पहले के डे में लाइट नहीं थी, दीपक जला के रखते थे, उसका जो धुआं लगता था वो काजल बना के आग पे डालने के लिए। अंदर देखोगे चांदी का बेड है उनका, सिल्वर का देखोगे। चलिए अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथों में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काटूं ना कसर घालूंगी, बावन गज का दामन पैरों पे टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों पे टक चलूंगी। जुत्ती मड़कण आली पहरूं, छिड़ेगी बहुआ मैं तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने की गुठ गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। झुमके काना के जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे, होठां पे लाली अखियां काजल गालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी।
बैठने का सिंहासन है, नीचे वाली सीढ़ियां हैं सेनापति लोग, महामंत्री लोग, गेस्ट लोग, ठाकुर लोग मिला करते थे। ये जो महल देखेंगे, इस महल को बोलते हैं 10 मीटर। बाद में उनका एजुकेशन होता था, घुड़सवारी है, तीर चलाना है, बंदूक चलाना है, उनका एजुकेशन। और ये गेस्ट रूम है, घर के अंदर घर का भेद बाहर नहीं जाए, उनका खाना पीना साथ में होता था, उतना ऐड किया फिर। एशिया के सबसे सुंदर और यंग राजा थे गिरिजराज सिंह। एशिया के सबसे सुंदर और यंग राजा थे। अभी इनके लड़के हैं चैतन्य राज सिंह जी, ये अभी के राजा है। और ये कंस्ट्रक्शन का काम है, खोल के रिपेयर, इसमें चूना सीमेंट यूज है। फोटोग्राफी करते हुए आगे चलेंगे, अपन शस्त्रालय देखेंगे। शस्त्रालय तो देखेंगे, तलवारें हैं।